तमाम नमाजियों को उठाया, फजर की नमाज, यहाँ तक कि आपने अपने कातिल इब्ने मुल्ज़िम को भी आपने उठाया। उनके घर में तशरीफ़ फरमा थे और अपने बच्चों के साथ में आप इफ्तार किया करते थे, तो उस दिन इफ्तार में आपकी शहजादी ने आपके सामने रोटी, नमक और दूध रखा, तो इमाम अली सलाम ने दूध को अलग कर दिया और रोटी और नमक से आपने इफ्तार किया। यानी कि समझ लीजिए आज यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम है और क्या आने वाले वक्त में आमद इमाम आखिरुज़्ज़मान की है। कि मस्जिद के दरवाजे खिड़की हिलने लग गए, ज़मीन कांप उठी, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम का खून ज़मीन के ऊपर में गिरा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तब एकता की मिसाल है। हमारे प्रमोद भाई, रामपाल जी, राजू भाई गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं और जितने भी भाई यहाँ पर हमारे हैं सब गरीब नवाज। तमाम लोग आज यौम शहादत 21 रमज़ान सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम आपकी शहादत का दिन है और गरीमास की बारगाह का कुछ नज़ारा इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा आज, और कुछ बात करेंगे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में कि जो वाक़या पेश आया था वो कुछ मैं आपको तफसीर से बताऊंगा कि क्यों इब्ने मुल्ज़िम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया, क्या वजह थी जो आपको शहीद किया गया, और कुछ बात करूँगा आज इंशाल्लाह इमाम अली जो उम्मत मुस्लिमा के पहले इमाम हैं, और बात करेंगे आज की वीडियो में जो इमाम आखिरुज़्ज़मान जो उम्मत मुस्लिमा के आखिरी इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम, यानी कि समझ लीजिए आज यौम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम है और क्या आने वाले वक्त में आमद इमाम आखिरुज़्ज़मान की है, क्या निशानियाँ पेशंगोयाँ पेश आ रही हैं, तो सब इंशाल्लाह कुछ न कुछ डिटेल आपसे वीडियो में हम बात करेंगे। अभी सरकार गरीब नवाज की बारगाह का कुछ एतराफ़ आपको दिखाता हूँ और आपको ये तमाम दीगर जानकारी देता हुआ चलता हूँ। अभी जो महफाम अली अलैहिस्सलाम की शान में होगी यहाँ पर मैं, और आज रात को यौम अली जो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है हज़रत अली की शान में जो महफिल होती है, सलात सलाम होते हैं, वो मंजर भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ चलते हैं शाहजहान मस्जिद की तरफ, फिर वहाँ से कुछ मंजर आपको दिखाते हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में जो वाकया है कुछ आपको बताता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से दरबार को सजाया है, हज़रत अली की शहादत है, बेशक शेर खुदा की शहादत है। अल्लाह मौला कायनात की सबसे तफेल में उम्मत मुस्लिमा की आसानी तो फरमाए, जो भी मामला चल रहे हैं खासकर जो मस्जिद अक्सा के मामला भी चल रहे हैं। चलता आगे वीडियो पूरा देखिए, मिलते हैं कुछ देर में आपसे। सलात अस्सलाम ले गया, सलात अस्सलाम ले गया नबी अल्लाह, सलात अस्सलाम ले गया हबीब अल्लाह, सलात अस्सलाम ले गया खैर खल्कुल्लाह, सलात अस्सलाम ले गया ताय रसूल नायब नबी अरफाज मईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी समाज मेरी गरीब नवाज, हमारा सलाम कदम मुफ्ती कबूल कीजिए गुरबारगाम। हज़रत अली के वसीले से हम सबकी मुश्किलें भी आसान फरमाइए, जो लोग वीडियो के ज़रिए से आपकी बारगाह की हाजिरी कर रहा है उस पर भी करम कीजिए गरीब नवाज, बताए रसूल है नायब नबी हैं खाजी साहब रहम कहिए सब, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाइए गरीब नवाज, बाग का सदका अता फरमाइए, जो भी लोग बेरोज़गार उनको रोज़गार मिले हजूर, जो लोग नाउलाद उनको नेक साले औलाद अता हो, जो लोग मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ निजात मिले हजूर, उनके घरों में बच्चे जवान हैं शादियाँ नहीं हो रही उनके भी फ़राइज़ अदायगी हूँ, सबका भला सबकी खैर गरीब है, जो भी इल्तिजाए लेके आपकी बारगाह में ज़ाहिरी नाए हैं सबके दिलों के हाल आपको रोशन है गरीब, दिल के हर एक दाग को फूल बना दो या ख्वाजा मेरी फरियाद को मकबूल बना दो, करम कीजिए गरीब रहम कीजिए गरीब करम फरमा। आगे की तरफ चलते हैं सरकार की बारगाह में, जैसे मैंने बताया कि हज़रत इमाम अली की शहादत का क्या मामला थे वो तफसील से मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम
वो शहीद करने वाले के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि तारीख में दो ही शख्स बहुत ही बदबख्त हैं। एक तो वो शख्स जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया, और एक वो शख्स जो अली की दाढ़ी को खून से रंग देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये पेशनगोई आपकी शहादत की पहले ही कर दी थी। तो इब्ने मुल्ज़िम उस मर्दूद शख्स का नाम है जिसने मौलाए कायनात आपके ज़र्ब मारी 19 रमज़ान की तारीख को, नमाज फज्र का वक्त था, पर मैं जहर लगा करके वो शख्स रात भर मस्जिद में छुपा हुआ था, और फज्र की नमाज का वक्त जब हुआ, जब उस मर्दूद ने वो ज़र्ब इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक के ऊपर में मारा, तो शहादत से पहले जो दिन था इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने शहजादी उम्मे कुलसुम अपनी बेटी जो थी आपकी उम्मे कुलसुम अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ फरमा थे और अपने बच्चों के साथ में आप इफ्तार किया करते थे। तो उस दिन इफ्तार में आपकी शहजादी ने आपके सामने रोटी नमक और दूध रखा, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दूध को अलग कर दिया और रोटी और नमक से आपने इफ्तार किया। फिर आप मगरिब की नमाज अदा करने खड़े हुए, फिर आपने जब मगरिब की नमाज अदा करी तो आप मगरिब की नमाज से लेकर के तमाम रात इबादतें इलाही में मशगूल रहे, ये सजदा रेज रहे, रुकू सजूद आप करते रहे और दुआ मांगते रहे। और जब बाहर आए तो बेशक बाहर आया मतलब घर से बाहर आ कि आप नमाज के दौरान आके करके देखा करते थे, और आपने फरमाया कि बेशक आज की वो रात आ चुकी है जो मेरे महबूब ने मुझसे वादा किया था, यानी उर्स की रात जो महबूब का अपने हबीब से मिलन हो वो रात। उसके बाद इमाम अली इस्लाम रात भर इबादत करने के बाद जब फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद कुफा की तरफ निकले, तो वहाँ पर मैं आपने तमाम नमाजियों को उठाया फजर की नमाज, यहाँ तक कि आपने अपने कातिल इब्ने मुल्ज़िम को भी आपने उठाया। तो उसके बाद में तमाम लोगों ने फजर की नमाज अदा करी, नमाज अदा करने के दौरान इब्ने मुल्ज़िम सफ़ों में से निकल के आता है, तलवार जो उसने जहर में डुबो रखी थी, और इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशानी के ऊपर में वो मर्दूद ज़र्ब मार देता। एकदम से उस वक्त क्या माहौल हुआ, समंदर हिलने लग गया, आसमान हिलने लग गया, यहाँ तक कि रिवायतों में सुनने में आता है कि मस्जिद के दरवाजे खिड़की हिलने लग गए, ज़मीन कांप उठी जब इमाम अली अलैहिस्सलाम का खून ज़मीन के ऊपर में गिरा। और उस वक्त वो मर्दूद वहाँ से भाग गया, कुछ लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को संभाला और कुछ लोग उस मर्दूद के पीछे भागे, उसको पकड़ करके इमाम अली अलैहिस्सलाम सामने पेश किया गया, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसको यही कहा कि तूने दुनिया का सबसे बुरा काम किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के ये वर्ड से कि क्या मैंने इमामत में कुछ कमी रखी या क्या मेरी तरफ से तेरी तो कुछ नागुमानी करी, मैंने तेरे साथ में कुछ नाहक किया जो तूने मुझको कत्ल किया। तो इब्ने मुल्ज़िम ने जो कत्ल किया था इमाम अली अलैहिस्सलाम का, कोई पैसे की लालच में नहीं किया था, उस मर्दूद ने कत्ल एक औरत के मोहब्बत में किया था, क्योंकि उस औरत ने शर्त रखी थी, उस औरत का जो बाप था उसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था, क्योंकि वो खारजी था, खारजियों की रिवायत पूरी तौर से आप जानते हैं, उन्होंने अपना अलग कुरान बना लिया था, पूरे इस्लाम में फिर बदल करना चाह रहे थे, इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने से उनकी जंग हुई, जंग सिफिन और भी कई जंगें हैं। तो उस औरत से शादी करने के लिए उस मर्दूद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का कत्ल किया, क्योंकि उस औरत ने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि जो मेरे बाप के कत्ल का कत्ल करेगा, मेरे बाप के कत्ल का जो बदला देगा मैं उससे शादी कर लूँगी, अगर तू कर सकता है तो तू अली को कत्ल कर। माज़ अल्लाह माफ़ करे, उस मर्दूद ने इस वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर में वार किया। 19 रमज़ान को फजर के वक्त वो ज़र्ब मारी गई थी, और 20 रमज़ान जो रात आई 21वीं शब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, जो दूध का प्याला लेकर के आपके पास में आए दूध पिलाने के लिए, आपने ये फरमाया ये दूध का प्याला उस कातिल को पिलाओ जो
तुम्हारा कैदी है उसको पिलाओ, उससे अच्छा सलूक करना। कोई नसीहत इमाम अली अलैहिस्सलाम को दी कि उसके जिस्म की बोटी बोटी ना करना और अजियत ना देना उसको, उसको एक ही वार में कत्ल कर देना। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का मामला आप देख सकते। फिर आप 21 रमजान को अपने मालिक की हकीकी से जा मिले। अब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में भी इफ्तार का वक्त तकरीबन होने वाला है, ज़ायरीन ख्वाजा माशाल्लाह बैठ गए गरीब नवाज के दरबार में इफ्तार के लिए। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी ही है, मैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि इन दिनों वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं है, फिलिस्तीन के मामला को लेकर, मस्जिद अक्सा के मामला को लेकर के मैं वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का मामला था, वो वीडियो बनाने के लिए उसकी बारगाह में आया, तो आवाज़ में वो तेज़ी वो चीज़ अभी आपको मिलेगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा जहन ख़राब है। अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत अता फरमाए, यही दुआ है, क्योंकि जो आगे मैं आपको बात बताने वाला हूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में, वो इंशाल्लाह मैं आपको देर में बताऊँगा। अभी हजरत अस्सलामुअलैकुम, हजरत हजरत आए माशाल्लाह जी, कहाँ से तशरीफ लाए आप लोग? चंडीगढ़ से आए। चंडीगढ़ से आए, आइए ना। तो आप हर साल आते हैं माशाल्लाह दरबार में? हर साल आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, गरीब नवाज की बारगाह में हर साल इफ्तार कराते हैं, काफी ज़ायरीन आते हैं, हर साल इनकी भी आमद है यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में। आपकी गद्दी पंचकुला के पास गुरगद्दी बाबा प्रभुदयाल जी पड़ता है, प्रभु जी दरबार के नाम से। जी जी जी, वहाँ से हर साल यहाँ पर दरबार में दरबार में इफ्तार करते हैं, खासतौर पर 21 तारीख को आते हैं या रमजान में 26 तारीख को कभी भी आए थे। तो आज का दिन बड़ा है माशाल्लाह, आज आपको खिदमत करने का मौका मिला जी, इमाम अली का शहादत का वक्त अंदर गद्दी जो कि प्रभुदयाल जी के नाम से वहाँ पर मशहूर है, और काफी शहदाई काफी चाहने वाले वहाँ पर भी जाते हैं, भी आशिक जाते हैं और गरीब नवाज के आशिक हैं, गरीब नवाज की बारगाह में इसी तरीके से बादाम पिस्ते काजू वगैरह और ड्राई फ्रूट वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह गरीब नवाज की बारगाह में लाते हैं, तकसीम करते हैं। इसके पहले इनके वालिद साहब जो कि रामपाल जी गरीब नवाज की बारगाह में आए थे जी जी। और राजू भाई वो भी गरीब नवाज की बारगाह में इसी तरह से जो ये तकसीम करके जाते हैं, और हर साल जितने भी इनके नाम लेवा चाहने वाले शदाई हैं गरीब नवाज के आशिक भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो गद्दी से बंदे जुड़े हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसमें सब लोग हिस्सा लेते हैं और सब गरीब नवाज के आशिक हैं, सब गरीब नवाज की बारगाह में। सरकार ये इनकी अकीदत है, ये इनकी मोहब्बत है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एकता की मिसाल है। हमारे प्रमोद भाई रामपाल जी राजू भाई गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, और जितने भी भाई सॉरी जितने भी भाई यहाँ पर हमारे हैं सब गरीब नवाज के जाने वाले हैं। इसी तरह के जिस तरीके से इनमें मोहब्बत है, हम एक दूसरे की दुआ करेंगे, हमेशा मोहब्बत रहे, और गरीब नवाज की बारगाह में हम भी यही दुआ करते हैं कि तमाम आशिक गरीब नवाज की बारगाह में आते रहें, और इसी तरह से गरीब नवाज की बारगाह में खिदमत अंजाम, और एक दूसरे के करीब हम इसी तरह। आप कुछ मैसेज दोगे भाई? बहुत अच्छी बात की, ये मेरी बहुत खुशनसीबी है, दबा से सरकार ने मेरे को यहाँ पे बुलाया और बस में रहे, धन्यवाद। अल्लाह आपके कामयाबी दे, बस हम भी यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह। सब लोग हैं माशाल्लाह भाई, पूरी टीम है, हर साल आते हैं माशाल्लाह। लास्ट ईयर भी मैंने आपका ब्लॉग बनाया था, मेरे को याद है, काजू बादाम पिस्ते माशाल्लाह सब तकसीम करेंगे इंशाल्लाह, भी पूरा तकसीम करते हुए आपकी तरफ से मैं दिखाऊंगा आपको काजू बारगाह में खिदमत अंजाम देने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाल्लाह वो जो मेरी बात थी वो आगे कंटिन्यू करूँगा। फैज साहब की तरफ से ये इशारा हुआ है कि ज़ायरीन इफ्तार लग रही है, वो भी कुछ मंजर आपको दिखाए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। गनवा जो भी खिदमत अंजाम देना आपके दरबार में कबूल और मकबूल हो। फैज साहब वहाँ भी ज़ायरीन माशाल्लाह आज फुल हो गई है मस्जिद, अभी से अभी इफ्तार में है करीब पौन घंटा 40 मिनट तकरीबन है। हमारी तरफ से भी इफ्तार तकसीम होती है उस तरफ में, तरफ तो क्या बाबा ये सब फाजी साहब का लंगर है, गरीब नवाजी तकसीम कराने वाले हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं, सरकार बस हमसे खिदमत अंजाम ले रहे हैं अपनी बारगाह में, हम खुश नसीबी कहेंगे उसको। मेरे बड़े भाई भी हैं मौजूद, रोटी वगैरह सब तकसीम माशाल्लाह होती है, हर
मतलब देखते हैं क्या तकसीम कर रहे हैं भाई जी। माशाल्लाह काजू बादाम तकसीम सरकार की बारगाह में, गरीब नवाज कबूल करें सब खिदमत। और भी काफी चीजें हैं, ये क्या चीज है भाई? लस्सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। मैं थोड़ा उस तरफ जाता हूँ क्योंकि बात करनी है सीरियस बात है इमाम आखिरुज़्ज़मान के बारे में, यहाँ पे वो बात अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी लोग हैं सरकार के चाहने वाले, डिस्टर्बेंस ना हो। थोड़ा उस तरफ में जाके इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। गरीब नवाज़ की बारगाह से माशाल्लाह माशाल्लाह जो मंजर है वो वहाँ से आ रहा है, वो मंजर इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको, वीडियो पूरा दिखा। सुभानअल्लाह अली अल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हाँ दोस्तों, अभी सरकार गरीब नवाज की बारगाह के इस तरफ जो झल रहा है, यहाँ पर मैं अलम वगैरह लगे हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम के, यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ का मजा दिखा। हाँ ये अलम वगैरह ये लगे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के, पंजतन पाक जो लास्ट हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर जश्न की महफिल थी वो यहीं से हमने आपको दिखाई थी, नीचे महफिल थी वो। आज जो इमाम अली अलैहिस्सलाम महफिल रहेगी वो वहाँ मकबरे में रहेगी, जहाँ पर मैं अभी इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की जो रेप्लिका उसको रखा है वहाँ पर मैं। अब जो मैं बात कर रहा था हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में, उसका मसला ऐसे चल रहा है कि अभी दुनिया में बहुत कुछ वायरल चल रहा है, रेड आईपर लाल बछड़े की कुर्बानी, रमज़ान शरीफ के महीने में दो ग्रहण, और एक पिछल तारे का गुजरना जो कि रमज़ान शरीफ के महीने के बाद गुजरेगा, और 21 अप्रैल 2024 तक उस पिछल तारे को आप देख सकते हो, और अप्रैल के अंदर में ही और लाल बछड़े की कुर्बानी के मामला को लेकर के इसराइल ने ऐलान कर दिया, वो भी चीज़ है। उसके बाद में हजरत इमाम मेहंदी की आमद के जो मामला रहेंगे, रेड हाइपर के जो मामला चल रहा है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही हैं। अभी जो जंग हो रही है गजा के अंदर में, फिलिस्तीन के अंदर में, वेस्ट बैंक के अंदर में, जेरूसलम के अंदर में, और भी खुरासान से झंडे उठना ईरान का इसमें आना, क्योंकि खुरासान में काफ़ी हिस्सा ईरान का भी आता है, और इसी के द्वारा जो तंजीमें चल रही हैं उसकी प्रॉक्सी
किसको बोलोगे आप, हिजबुल्ला होगा या और भी कई चीज़ें हैं जो वहाँ पर में जंग चल रही है, उनका उठना है इस चीज़ को साबित करता है हुजूर की। तो ये सब मामला तभी वहाँ पर में चल ही रहे हैं। और रेड हाइबर का जो है मसला 8 अप्रैल को जो कुर्बानी हो सकता है वो लोग करें। 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण है, 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण है और हो सकता है उसी दौरान वो लोग कुर्बानी उसकी वहाँ पर में करेंगे। उसके बाद कुर्बानी का मसला है, कुर्बानी करने के बाद उनको जल्द से जल्द मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपने थर्ड टेंपल की बुनियाद रखनी है, क्योंकि जो गोश रहेगा उस रेड हाइपर का, उस गोश को जला करके उसकी राख बना करके थर्ड टेंपल जो हैकेले सुलेमानी तीसरी बार बनाना चाह रहे हैं वो, उसकी नींवों में डाला जाएगा वो राख को, वो नींव। फिर कोई पुराना रिचुअल है ये यहूदियों का जो कि तौरात में लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी ये सही तरीके से नहीं कर रहा है, इसमें मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से जो रबाई हैं वो लोग इसको कर रहे हैं। लाल बछड़े की कुर्बानी जो हुई थी ये तौरात में लिखा हुआ है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी, जब कोहेतूर से आप नीचे आए थे और सामरी जादूगर ने बछड़े का सोने का बछड़ा वगैरह बनाया था और भी काफ़ी सारे मामलात करे थे, सब हिस्ट्री भी है, कुरान में भी ये वाक्या दर्ज है। तो लाल बछड़ा ही वो था, उसका रंग उसने लाल किया था, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो वो कुर्बानी अगर वो करते हैं उसके राख को मस्जिद अक्सा शहीद करने के बाद अगर थर्ड टेंपल बनाने के लिए करते हैं, तो तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और इमाम आखिरुज़्ज़मा के आने से पहले जो 2 ग्रहण का मामला है वो भी इसी रमज़ान शरीफ में है, क्योंकि अभी 25 मार्च को चांद ग्रहण हुआ है और 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण ऐसा वैसा नहीं है, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला सूरज ग्रहण है जहाँ पर दुनिया भर की इसकी निगाह, ये अपने इंडिया पाकिस्तान वगैरह में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अमेरिका और उस तरफ में पूरा देखने को मिलेगा। ये समझ लीजिए 8 मिनट तक पूरा ब्लैकआउट रहेगा, 8 मिनट का सूरज ग्रहण है, आप खुद अंदाज़ा लगाओ 8 मिनट तक उस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, दिन में अंधेरा है, दिन में रात हो जाएगी। उस वक्त ये लोग उसको कुर्बानी दे करके वहाँ पर में जो भी फितना फसाद फैला रहे हैं, जंग तो चली रही, जंग का माहौल है, कोई मिसाइल अगर आके माशाल्लाह मस्जिद अक्सा कप्पल में गिर जाती है तो कोई क्या उखाड़ लेगा। वैसे ये भी किसी ने क्या उखाड़ लिया वहाँ पर, 57 मुस्लिम देश है, OIC है, OIC तो क्या है, OIC, बस देख ही रहे हैं ये लोग कुछ करने के मामला में दिख नहीं रहे। अल्लाह बस अपनी पनाह में रखे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का मामला है, आखिरी इमाम आखिरुज़्ज़मा की आमद का मामला है। अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे और गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करेंगे इमाम अली अलैहिस्सलाम के सदके तुवैल में जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है सबकी हाजिरी वीडियो के जरिए सरकार कबूल करें और अपनी बारगाह में भी हाजिर नाजिर होने की तौफीक दे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे करोगे दरबार में आकर के वो चीज़ कैमरे पे पॉसिबल नहीं। अब इंशाल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो महफिल रहेगी वो वीडियो वो ब्लॉग भी इंशाल्लाह अलग रहेगा, वो ब्लॉग भी आप पूरा देखिएगा, उसमें सलातो सलाम जो भी रहेंगे और जो भी कलाम वगैरह पढ़े जाएंगे वो इंशाल्लाह मैं अलग से ब्लॉग बना करके कल डालूंगा। अब आप लोग भी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे मुलाकात दरबार गरीब नवाज से। मस्जिद अक्सा के लिए खास तौर पर दुआ कीजिए, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ मस्जिद अक्सा की गौर व फिक्र ईमान की दलील है। अगर कोई मस्जिद अक्सा को भूल रहा है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो उसका ईमान जाना है, अपने ईमान को झंझोड़ ले, क्योंकि क़िबला अव्वल है वो, पहले नमाज वहाँ देख करके अदा की जाती थी, उस तरफ रुक करके अदा की जाती थी मुसलमानों की, बहुत अफजल अजीम जगह उसको माना गया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शबे मेराज क्यों वहीं से गए थे, बहुत कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से आपस के अंदर में ये चीज़ें। इसके लिए भी इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो बनाता रहूँगा। अब मस्जिद अक्सा के लिए आप लोग भी दुआ कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए यमान अल्लाह।